हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के ग्लाइड बॉम्ब्स की, जिसमें दो बॉम्ब आते हैं, गरुणा और गरुत्मा। तो जैसी रिपोर्ट आ रही है उनके हिसाब से ये जो बॉम्ब्स हैं इनको Su-30 MKIs, मिराज 2000 और LCA तेजस की पूरी फ्लीट में लगाया जाएगा। इसके जो इंटीग्रेशन ट्रायल्स हैं Su-30 MKIs के साथ वो कम्प्लीट हो चुके हैं और अब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल रेडी है। तो अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप DRDO की साइट खोलेंगे और वहाँ पर इस बॉम्ब को सर्च करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन देखकर दंग रह जाएंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमको यहाँ पर अजम्पशंस करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ हम पहले क्लियर कर दें कि आज जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होगी और मेजॉरिटी पार्ट जो है वो अजम्पशंस पर होगा, जैसा कि दिख रहा है उसके अनुसार। तो इसे इंडिया का स्पाइस बॉम्ब कहते हैं, पर हमें ऐसा नहीं लगता है, इसलिए दोनों को साथ में रख के कंपेयर करेंगे और दोनों की जो सिग्निफिकेंस है उसको अलग अलग समझेंगे। तो DRDO का जो स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब का प्रोग्राम है उसमें दो बॉम्ब हैं, गरुत्मा और गरुणा। जो गरुणा है वो बिना विंग का बॉम्ब है और उसकी जो रेंज है वो करीबन 30 किलोमीटर की है। वहीं पर जो गरुत्मा है उसमें विंग लगा दिए गए हैं ग्लाइड कराने के लिए बॉम्ब को, और उसकी जो रेंज है वो करीबन 100 किलोमीटर की है। तो जो चीज़ देखने से समझ में आ रही है वो ये है कि दोनों बॉम्ब्स में जो कंट्रोल सर्फेसेस हैं वो पीछे दिए हुए हैं, साथ ही साथ कोई ऑप्टिकल सेंसर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका जो गाइडेंस है वो मोस्ट प्रोबेबली इनर्शियल और GPS हो सकता है, पर जो GPS गाइडेंस है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो हो सकता है खाली इनर्शियल गाइडेंस ही हो। बाकी अगर बॉम्ब की बात करें तो जो इसमें बॉम्ब लग रहा है वो 1000 से 500 किलो का हो सकता है। तो स्पाइस की तरह ये भी एक किट है जो कि अनगाइडेड बॉम्ब्स में लगाई जाती है और उनको गाइड किया जाता है टारगेट पे। तो जो स्पाइस 1000 है, यानी कि जो 500 किलो का बॉम्ब है, उसकी जो रेंज है मैक्सिमम वो 100 किलोमीटर की है, और जो स्पाइस 2000 है यानी कि 1000 किलो का जो बॉम्ब है उसकी रेंज है करीबन 60 किलोमीटर की। तो स्पाइस में जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी लगा हुआ है तो वो वीडियो इन्फॉर्मेशन को वापस भी भेजता रहता है, साथ ही साथ वो पिक्चर को मैच करके टारगेट को हिट कर सकता है, साथ ही साथ मैन इन द लूप मोड में भी काम कर सकता है। मैन इन द लूप मोड में क्या होता है कि जो आपका वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है वो बॉम्ब के विजुअल आउटपुट को देखता हुआ बॉम्ब को मैनुअली गाइड करता है और उसे टारगेट पे ले जाता है। साथ ही साथ इसमें GPS और सेटेलाइट नेविगेशन भी है और इनर्शियल नेविगेशन भी है। तो ये जो बॉम्ब है ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए है, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना हो, तो इसमें अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले से ज़्यादा है आप उसको इस बॉम्ब में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना है तो आप उसकी जो पिक्चर है उसको इस बॉम्ब में अपलोड कर सकते हैं, और जिसका ऑप्टिकल सेंसर है वो अपने आप से उस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये फायर एंड फॉरगेट मोड में काम कर सकता है। वहीं पर अगर गरुणा और गरुत्मा की बात करें तो वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, यानी कि आपको जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो अगर आपको पता है तो आप वहाँ पर इस बॉम्ब को टारगेट कर सकते हो, पर पर्टिकुलर बिल्डिंग को हिट करना है उतनी प्रिसाइजली ये टारगेट को हिट नहीं करेगा। तो ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की बात हो रही है, बाकी आगे चलकर जो है इसमें और मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ऑप्टिकल सेंसर को लगाना और ये मॉडिफिकेशन करना। तो जो गरुत्मा है वो एक्चुअली स्पाइस का थोड़ा सा लो ग्रेडेड वर्जन है, जहाँ पर रेंज तो मैच हो रही है पर जो फीचर्स हैं वो थोड़े से कम है, क्योंकि एक स्पाइस बॉम्ब का जो कॉस्ट है वो करीबन 3 करोड़ का है। तो अगर आपको वॉर टाइप सिनेरियो में एनिमी एयर डिफेंसेस से बचते हुए बॉम्बिंग करनी है प्रिसाइजली, तो वहाँ पर जो आपका गरुत्मा है उसको आप 100 किलोमीटर की दूरी से ड्रॉप कर सकते हैं और वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना एनिमी की सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज में आए हुए। तो अगर वॉर टाइप सिनेरियो है वहाँ पर 3 करोड़ का एक्स्ट्रा फीचर वाला बॉम्ब ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर एक गरुत्मा 1/3 भी कॉस्ट करता है स्पाइस का, यानी कि आप 3 गरुत्मा को एक स्पाइस के कॉस्ट पे ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा सेंस बनाता है ना कि स्पाइस को यूज़ करना। बाकी डिज़ाइन जो है वो मॉड्यूलर है, आगे चल के फ्यूचर में मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंसर को आगे लगाया जा सकता है, गाइडेंस और बेटर बनाया जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दें, इसका प्राइस 1/3 है स्पाइस का, ये कहीं भी लिखा नहीं है, ये एक अजम्पशन है, पर इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये 1/3 के अराउंड हो। तो अगर ये पूरी फ्लीट में यूज़ होता है हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की, जैसे कि जैगवार्स हो गए, मिराज 2000 हो गए, तेजस हो गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव करेगा
और जो क्वांटिटी है वो हम ज़्यादा मेंटेन कर पाएंगे। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।